लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अगले कुछ घंटों में आंधी और बारिश का अनुमान। 110 रुपए महंगा हुआ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, नई कीमतें 1 जून से लागू। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, 20 राज्यों में अब एक कार्ड से राशन मिलेगा। इन राज्यों में 1 जून से बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए कितने अधिक देनी होगी कीमत। 1 जून से 887 राशन दुकानों से होगा राशन वितरण, मिलेगा 20 किलो गेहूं 15 किलो चावल। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान रोडवेज कल से 100 नए रूट्स पर चलाएंगे बसें। दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार ने दी ये जानकारी। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 1,98,706 के पार पहुंच चुका है और 5,598 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 95,527 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,75,208 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 62,59,887 कन्फर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। हरियाणा, मेरठ और दिल्ली के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर अगले कुछ घंटों के दौरान आज गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अनलॉक 1 में आम आदमी को लगा बड़ा झटका। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम बढ़कर 110 रुपए हो गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 593 रुपए हो गई है, जो 581.50 रुपए थी। 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 110 रुपए महंगा होकर 1,139.50 रुपए में आप तक पहुंचेगा। देश के 20 राज्यों में रहने वाले लोग एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। पासवान ने कहा कि 1 अगस्त से उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय की कोशिश है कि 31 मार्च तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू हो जाए। यह प्रक्रिया पहले ही 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। 1 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। सोमवार को मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 78.32 रुपए प्रति लीटर पर और 1 लीटर डीजल 68.21 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। इससे पहले मार्च महीने में राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 1 रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया था। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 1 जून से पीलीभीत जिले की 887 राशन की दुकानों से राशन वितरण किया जाएगा। इसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल और 1 किलो चना निशुल्क दिया जाएगा। प्रथम चरण में 1 जून से 11 जून तक राशन वितरण किया जाएगा। अनलॉक 1.0 के पहले चरण में राजस्थान रोडवेज अपने संचालन का दायरा बढ़ाने जा रहा है। इसके तहत बुधवार से रोडवेज करीब 100 नए मार्गों पर बसों का संचालन शुरू करेगा। इन रूट्स की बुकिंग भी मंगलवार शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर आप भी अपने रूट बसें चलवाना चाहते हैं तो रोडवेज को सुझाव भेज सकते हैं। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सीमाएं 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया था। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं के लिए बॉर्डर खुले रहेंगे। मंगलवार सुबह दिल्ली में जगह जगह जॉगिंग करने वाले देखे गए। गाजीपुर में थोक फल और सब्जी बाजार भी खुला, जहां ठीक ठाक भीड़ दिखाई दी। इसी बीच दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग टाइट रही। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। लंबे समय से स्कूल बंद होने की वजह से कई राज्य सरकार स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। वहीं 1 जून को दिल्ली सरकार ने घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 1 के लिए जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। यूपी में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है।
चीन लगातार दुनिया को अपनी हरकतों से हैरानी में डाल रहा है। अब उसने फैसला किया है कि वह एलियंस की खोज शुरू करेगा। इसके लिए वह अपने सबसे बड़े टेलीस्कोप की मदद लेगा। इसके लिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस के वैज्ञानिकों ने तैयारी शुरू कर दी है। आधिकारिक तौर पर इस साल सितंबर महीने से चीन के वैज्ञानिक एलियंस की खोज में लग जाएंगे। 1 जून से देश में अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अनलॉक नहीं हुई हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य अभी भी अपने राज्य में आवाजाही को शुरू नहीं करने के समर्थन में हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से छूट भी दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि अनलॉक 1.0 नहीं हुआ अभी पूरी तरह अनलॉक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। अब किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है। किसान कहीं भी कभी भी अपनी फसलों को अपनी शर्तों पर बेच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा के त्राल के सिमो इलाके में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया है। पुलिस और सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कीनी से बालाकोट तक 100 किलोमीटर से अधिक लंबी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने नापाक हरकतों को अंजाम दिया। कोरोना संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ ने सोमवार को बताया कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियर के लिए 105 करोड़ रुपए हैं। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी कंपनियों से अपील की थी कि लॉकडाउन के दौरान वे किसी कर्मचारी को नौकरी से ना निकाले और ना ही उनके वेतन में कटौती करे। रोजगार को लेकर सरकार चिंतित है और इसके मद्देनजर हर जरूरी कदम उठा रही है। भारत के सामने एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इस बार यह भारत के पश्चिमी तट पर आएगा। यह सिर्फ एक डिप्रेशन यानी दबाव है, जो मंगलवार सुबह एक डीप डिप्रेशन यानी भारी दबाव में तब्दील हो सकता है और फिर ये एक तूफान की शक्ल लेगा। इस तूफान का नाम है निसर्ग। नासा ने एक अलर्ट जारी करके बताया है कि करीब आधा किलोमीटर बड़ा एक उल्का पिंड धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। उस उल्का पिंड की रफ्तार करीब 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11,200 मील प्रति घंटा तक बताई जा रही है। नासा के मुताबिक ये उल्का पिंड अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और 6 जून को धरती की कक्षा में दाखिल होने वाला है। कोरोना वायरस की वजह से अब चीन से निकलने की तैयारी कर रही 600 विदेशी कंपनियां भारत आ सकती है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारत लाने में राज्यों की भूमिका सबसे अहम होगी। सरकार की कोशिश ऐसी है कि राज्यों के बीच विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए आपस में ही प्रतिस्पर्धा हो। 3 महीने के बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। जनवरी 2020 तक फाइल नहीं किए गए रिटर्न्स की लेट फीस पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में चर्चा होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।